ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, तीन निशस्त्र आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह, किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में, इस भयानक वन में भी भूल नहीं पाता हूं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको भी अटल आस था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्ता उन्हें पापी त्रस्त धुमन ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं मेरे पिता थे अपराज्य, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उसी दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूं भटक गया। गुफा ये पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा जीवित हूं अभी तक। हाथ घात कर लू इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर, यदि मुझे पिघली नरकाग्नि में भी उबलना पड़े तो भी शायद इतनी पीड़ा नहीं होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं अंध बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इन पसलियों के नीचे दो पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चौथ खाएं पाएं जिसे।